जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश, NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज हम जो भर्ती के बारे में बात करेंगे उसकी पूरी जानकारी ए टू डेट हम दे रहे हैं। 5 अक्टूबर 2020 से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये इंडियन आर्मी की रैली भर्ती है। 5 अक्टूबर 2020 से रैली भर्ती स्टार्ट होगी और ये चलने वाली है 9 अक्टूबर 2020 तक। लेकिन अगर फाइनल बात किया जाए, इसका जो पेपर होगा 31 जनवरी 2021 में इसका पेपर होगा। उससे पहले आपके सारे फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट चेकिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें जो भर्तियां होंगी, रिलेशन भर्ती होंगी और स्पोर्ट कोटे की भर्ती होने जा रही हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 5 अक्टूबर 2020 को जो भर्ती होगी वो स्पोर्ट्स कोटे GD साधारण वाले, जो रिलेशन वाले हैं, उनके लिए भर्ती होगी। इसके अलावा 6 अक्टूबर को केवल और केवल GD वालों का डॉक्यूमेंट्स चेकिंग किया जाएगा जो GD से संबंधित है, और 7 अक्टूबर को जो स्पोर्ट्स कोटे अनदर वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। 8 अक्टूबर को जो बचे जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स चाहे GD हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, जो 6 और 7 को डॉक्यूमेंट्स चेकिंग नहीं हो पाएगा उनका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, या किसी का अधूरा डॉक्यूमेंट्स रह गया होगा तो उस दिन चेक किया जाएगा। 9 अक्टूबर को आप लोग का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। 9 अक्टूबर को आपका मेडिकल होगा। तो याद रखिएगा, फिजिकल आप लोग का 5 अक्टूबर को होना है, सभी का होना है, चाहे GD स्पोर्ट्समैन हो, चाहे GD साधारण हो, चाहे अन्य हो, सबका इसमें 100% होना है। इसमें जो स्पोर्ट्समैन वाले होंगे वो ओवरऑल इंडिया के कैंडिडेट जो देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स का लिखित रूप से वर्णन नहीं किया गया कि किन किन गेमों को लिया जाएगा, तो मैं जो जानकारी है उसी को दूंगा कि स्पोर्ट्समैन को मांगा गया है तो जो आपके ओलंपिक संघ ने मान्यता दिया हुआ है या नेशनल गेम में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे गेम की भर्ती यहाँ पे लमसम हमारे आधार से होनी चाहिए और होगी भी। और इसके अलावा जो रिलेशन वाले हैं उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या NCCC सर्टिफिकेट है या दोनों है तो उनको 12 और 13 फ़ायदा मिल जाएगा भर्ती होने का। तो जो रिलेशन वाले हैं वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में जा सकते हैं, और रिलेशन वालों की अलग से भर्ती होगी, रिलेशन भर्ती। लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन स्पोर्ट कोटे वालों को, जो स्पोर्ट कोटे के प्लेयर हैं और देखना चाहते हैं, तो उनको रिलेशन की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, वो अपना साधारण भर्ती जाके देख सकते हैं। इसकी जो रनिंग होगी 1600 मीटर रनिंग होगी। आपके टाइमिंग पता है, 4:05:30 के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप अपने आप को सक्सेस समझिए। फिजिकल की तैयारी भी कराने जा रहा हूँ मैं इस समय, वर्तमान समय ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं सोचा कि आप लोग के लिए इस न्यूज़ को डालना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की तैयारी पीछे न रहे। और ये जो भर्ती निकल के आ रही है बिहार रेजिमेंट की आ रही है, और ओवरऑल इंडिया के कैंडिडेट दानापुर जाके भर्ती देख सकते हैं। इसका पूरा पता जो अनदर स्टेट के हैं वो नहीं जान पाएंगे, तो आप सीधा पटना जाइए और पटना से आपको पता चल जाएगा कि दानापुर कैसे जाना है। तो आप जो भी तैयारी करने वाले हैं सभी लोग यहाँ ज़रूर पहुँचें और 5 अक्टूबर से अपनी भर्ती को देखें और सफलता को प्राप्त करें। तो पहली बार चैनल पे अपने आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी भर्ती प्रक्रिया आए मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास पहुँचे और आप उसका फॉर्म फिलअप कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो इसमें पुलिस, आर्मी, रेलवे, अन्य SSC की भर्ती संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। तो आप अपने चैनल पर जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।